ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपको अक्सर बार बार धोखा क्यों मिल रहा है? आपको अपने क्यों धोखा दे रहे हैं? आपके दोस्त आपको क्यों धोखा दे रहे हैं? और ये क्या वजह है कि हमें बार बार किसी भी रिश्ते में, किसी भी व्यापार में या किसी भी चीज़ में, चाहे हम हमारे परिवार की बात करें, हमारे आसपास के लोगों की बात करें, जिन लोगों के बारे में हमने अच्छा सोचा, हमने अच्छा एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच लगाई, एक सकारात्मकता लगाई, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ वही लोग या अन्य कोई लोग धोखा क्यों करते हैं? यह आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आप कई बार डिप्रेशन में चले जाता है, तनाव में चले जाते हैं। लेकिन मेरी कुछ 5 बातें हैं, कुछ 5 पॉइंट हैं जिन्हें अपने जीवन का आप हिस्सा बना लेंगे तो ये जो धोखा जो मिलता है उसकी उस पूरी परेशानी से आप बाहर आ जाओगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, क्योंकि शिव है तो हर जगह आनंद है। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, उसका फीस लागू है। अक्सर ये बात होती है कि जो आदमी जैसा होता है दुनिया उसे वैसी दिखाई देती है। अब आपके साथ यह चीज़ यहाँ से इस तरह से शुरू होती है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया को आप अच्छा महसूस करते हैं। और इसी गलती से पहले जो पॉइंट है कि इसी वजह से हमें धोखा होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सुधारना है कि हर एक व्यक्ति के बारे में आप समझें, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसके बारे उसको ऑब्जर्व करें, ये अपने जीवन का आप हिस्सा बना लें। अगर आप इसे हिस्सा बना लेंगे आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। दूसरी बात है धन का लेन देन। धन का लेन देन आप बहुत ही सरलता से कर देते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो तुरंत आपने निकाल के पैसे दे दिए, ऐसा न करें। चीज़ों को उसमें भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जब आपकी बारी आई तो हमारे ही पैसे मांगने के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम किसी से कर्ज मांग रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन ना आए। इसलिए कभी भी धन दे जरूर, लेकिन आवश्यकता से कम धन दे और बार बार ना दे, एक बड़ा अमाउंट ना दे जिससे कि हमारे आर्थिक स्टेटस पर तकलीफें पड़े। ये बात देखिए, सपोर्ट करना, सब चीज़ें करते रहें, लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व जरूर करें। आप अपनी सेविंग ज़रूर रखें, अपने फैमिली का लिए सेविंग ज़रूर रखें, उसके बाद जो धन है आप ज़रूर मदद में खर्च करें, लेकिन ये आपकी पहली प्राथमिकता है। अब ऐसा होता है कि आप इस विषय से खुद परेशान हो जाते। तीसरी बात है लोगों की बातों में ना आए, लोग आपको डाइवर्ट करते हैं, लोग थोड़ा सा आपको अच्छी बातें कहकर ऊपर चढ़ा देते हैं, इससे बचना है। चौथी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो लोगों ने आपको एक बार धोखा दे चुके उन पर विश्वास नहीं करना है। और पांचवी, हमेशा अपने गुरु मंत्र का जाप करें, इससे बाहर आ जाएंगे।